उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ और भाइयों को सर्वप्रथम प्रणाम। जैसा कि हम यहाँ सब जो एकत्रित हुए हैं वो एक ही नाम के लिए हुए हैं कि जैविक। जैविक की ताकत का अनुभव हमारे बीच जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, जो 70 साल 80 साल उम्र पार कर चुके हैं, उनको सबसे ज़्यादा उसका अनुभव है। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो जो हम आज खा रहे हैं उससे अगर तुलना करें तो श्रेष्ठता में अगर हम आज कहें कि वो बहुत अच्छा नहीं खा पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर खेती करते थे तो लगभग दिन के 12 घंटे या 10 घंटे में से कम 8 घंटे बैलों के पीछे दिन भर पैदल चलते थे। उसके बाद भी जब घर आते तो सोते समय लगभग उनको 9 से 10 या 11 उनके जो बैल होते थे उनको दाना पानी करने में ऐसा समय लग जाता था। उसके बावजूद वो 2 या 3 बजे फिर रात को उठते थे और अपने बैलों को बराबर चारा दाना पानी करते थे और दिन निकलने के पहले खेत पे। और आज का जो युवा है वो उनकी तुलना में कहीं अच्छा खा करके भी अगर मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर जाके वापस आता है तो अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ये बड़ा अंतर था पहले के खान पान में और आज के खान पान में। तो पहले का खान पान जो था वह वास्तविक रूप से शुद्ध जैविक था। कहीं भी आज से 30 साल 35 साल पहले अगर जाएं तो अपने क्षेत्र में कहीं भी पेस्टिसाइड का या रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ही कम नाम मात्र किया जाता था। उसमें मैं भी जैविक की ओर थोड़ा लगाव मेरा भी था और मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपने घर में खाने पूरते जो भी अनाज है, दाल है, सब्जी है, वो बिना पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उगाता था और हमारे घर में हम उपयोग करते थे। अब मैं मेरी कहानी आपको बताऊं कि मेरी 2001 में मेरा ये थ्रेशर मशीन में सोयाबीन निकालते समय एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा शरीर पूरा, ये हाथ उसमें, ये सिर, कान, यहाँ की पूरी हड्डी मेरी जबड़े की, यहाँ से मेरा यहाँ तक कि फेफड़ा भी खुल गया था। मेरी स्थिति ये थी उस समय कि कोई मशीन के पास मुझे आकर के संभालने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी धरती माँ को, जिससे उपजा अन्न मैंने जो खाया था उसकी जो मुझे ताकत थी उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। वो ताकत ऐसी थी जब मैं मशीन से मेरा सिर जाने लगा, अंदर चला गया, मैंने अपने हाथ पैर से ऐसे गुलाट लगा कि मैंने मशीन का लीवर बंद किया था। उसके बावजूद जब मैं जो लेबर थे वो मेरे पास आने को तैयार नहीं थे, ज़बरदस्ती उनको मैंने पकड़ा, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उनको दी, तब वो मुझे कहीं अस्पताल लाने के लिए तैयार हुए। जैसे तैसे वो ला रहे थे, रास्ते में मैं तो बिल्कुल ये सब नसें कट गई थी, उसके बावजूद मैं बस ईश्वर के नाम से जिंदा था उस समय। तो वो बोल रहे थे ये तो मर गया, फिर मैं बोलता कि मैं जिंदा हूँ, मुझे ले चलो आप अस्पताल। हॉस्पिटल आए सुयस हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने जैसे मुझे देखा तो डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको क्यों लाए, ये आदमी नहीं बचेगा। वो डॉक्टर आज भी जिंदा है कहने वाले, इसको यहाँ लाए क्यों आप, ये नहीं बचेगा, इसका फेफड़ा तक खुल गया। लेकिन जो मेरी धरती माँ ने मुझे दिया था उस ताकत ने मुझे बुलवाया, मैं बेहोश नहीं हुआ इतना होने के बाद भी, मेरा हाथ पूरा कट चुका था कि डॉक्टर मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, मैं मरूंगा नहीं, आप मेरा इलाज कीजिए। और डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं मात्र 27 दिन हॉस्पिटल में रहा और घर पर आने के बाद मैंने लगभग 3 महीने तो मेरी नाक से फिटिंग हुई और 6 महीने मुझे मिक्सर का पिसा हुआ खाना पड़ा, पीना पड़ा। और 6 महीने के बाद ही मैं अपने सारे काम, घर से लेके खेती के बाड़ी के सब मैं स्वयं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं 4-व्हीलर गाड़ी चलाता हूँ, ट्रैक्टर अपना स्वयं मैं चलाता हूँ। और मैंने उसी एक्सीडेंट के 2001 के बाद अभी आप जो देख रहे हो बैटरी के स्प्रे पंप, ये जो अभी आए हैं बाज़ार में 5 या 7 साल से 8 साल से, मैंने 2002 में ही बैटरी का पंप मैंने अपने लिए तैयार कर लिया था
और उससे मैंने स्प्रे किया था अपने खेत में। तो ये सब जो ताकत थी ये सब इस धरती माँ के जो जैविक उत्पाद थे उसी की थी। तो जैविक 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 बहुत बड़ा हवा कर दिया लोगों ने, हवा कुछ नहीं है, अपनी परंपरागत खेती रासायनिक खाद पेस्टिसाइड को एक तरफ फेंकिए और ज़्यादा नहीं कर सको तो अपने घर में खाने योग्य जितना पैदा कर सकें उतना आप जैविक उत्पाद पैदा कीजिए। आज हमने रासायनिक खाद का उपयोग कर करके हमारी जो धरती माँ है उसका रूप बिल्कुल विकृत कर दिया है। जमीन कड़क हो गई, उसकी जल धारण क्षमता खत्म हो गई, उसमें जो पैदावार होनी थी वो होने बंद हो गई। आज हमको लग रहा है कि हम 20 क्विंटल बीघे के गेहूँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब उसमें एक बोरी एनपीके दे रहे हैं और दो बोरी यूरिया दे रहे हैं। अब हुआ क्या है कि वहाँ जो एक उदाहरण दूं आपको कि हमको एक मकान बनाना है, अब मकान के लिए ईंट पत्थर गिट्टी सीमेंट सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी है, लेकिन उस चीज़ को वहाँ तक निर्माण स्तर तक लाने वाला अगर कोई नहीं है तो क्या मकान बन पाएगा? नहीं बनेगा। वही स्थिति आज हमारी ज़मीन की है। जो हमारी ज़मीन में हमारी सजीव भूमि में जो बैक्टीरिया थे वो एक तरह का लेबर का काम करते हैं कि जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसल को ला करके देते हैं। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग करके हम उन सबको नष्ट कर दिया। जो एक ग्राम मिट्टी में लगभग लगभग 2.5 अरब की संख्या होती थी वो आज कई लाख में आकर टिक गई है। ये वैज्ञानिकों का विश्लेषण है, मेरा नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। जो पहले हमारी ज़मीन एक या दो या पानी में अच्छा गेहूँ का उत्पादन देती थी, बिना पानी में देती थी, बारिश के पानी से ही लोग बोते थे, उनालू रख करके बोते थे, जगदीश दादा को मालूम होगी, उसमें भी पैदावार होती थी। आज 5-5 पानी में भी बोले 10 क्विंटल बीघा के ही हो रहे हैं। तो ये स्थिति हमने स्वयं पैदा की है, इसके जिम्मेदार भी हम हैं और इसको परिवर्तन भी हम ही कर सकते हैं। आज हमारी नदियाँ सूख गई, खेत में पानी की जरूरत ज़्यादा हो गई, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। यहाँ सब मेरे से बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और पूर्व वक्ताओं ने जैविक के ही ऊपर आज मतलब आज क्या 5 दिन से यही कहना है, लेकिन इसका सबका निचोड़ ये है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आए हैं, एक आए हैं या 50 आए, जिन्होंने भी जिसका भी सुना है उससे प्रेरणा लेकर के ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने परिवार के उपयोग इतना तो कम से कम जैविक उत्पाद पैदा करें। फिर उसके अगर मन में ऐसा आए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ तो अपने क्षेत्र को बढ़ाएँ। और एक तरह से ये हम पुण्य कर रहे हैं, जैविक खेती करके हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं साहब। और जो रासायनिक करते हैं उनकी नज़र में हम पागल है, जैविक वाले। कई गांव में एक या दो किसान आपको जैविक वाले मिलेंगे तो बाकी लोग उनको कह रहे हैं वो तो वो दम नहीं है, वो कुछ तो भी करता रहता है। भाई साहब ने अभी ड्रम बताए उनके, उसमें अब ये पागल नहीं है जो उन्होंने 10-12 ड्रम रख रखे हैं वहाँ। उस ड्रम को आप भी अपने एक बीघे खेत में, आधे बीघे खेत में, मैं कहूँ कि एक 10x10 के ग्राउंड में उसमें उसका उपयोग कीजिए और उसका उत्पाद देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, तब जाके फिर आगे बढ़ाइए आप। तो मेरा एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि कम से कम अपने परिवार इतना हम जैविक उत्पाद अपने यहाँ पैदा करें, उसके बाद हम समाज के या पड़ोस के या समाज के बारे में सोचें। धन्यवाद। जय हिंद।